हाय, आज जानेंगे बोटॉक्स के बारे में। बोटॉक्स क्या होता है, किन किन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है। बोटॉक्स एक तरह प्रोटीन होता है जो आपकी झुर्रियों और रिंकल्स को ख़त्म करता है। मैं हूँ डॉक्टर सुरभि फौजदार, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। जानेंगे बोटॉक्स के बारे में। बोटॉक्स बेसिकली बॉटुलिनम टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन मतलब जहर नहीं या कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं। टॉक्सिन मतलब एक तरह का प्रोटीन जो आपकी मसल्स को या स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें रिलैक्स करता है। अब बोटॉक्स क्या है फिर? बोटॉक्स एक ब्रांड नेम है। उसके प्रकार के और भी लोग चलते हैं मार्केट में, जैसे ज़ुइम और डिस्पोर्ट, काफ़ी सारे। ये तो बोटॉक्स के बारे में जान लिया। अब बोटॉक्स कौन कौन लोग कर सकते हैं? बोटॉक्स एक टीनेजर से लेके 70+, 80+, 90+ और भी लोग, बहुत सारे लोग करा सकते हैं। ये टीनेज में कैसे होता है? टीनेज में जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर अपनी चब्बी चीक्स को लेकर आते हैं। वो चाहते हैं फेस स्कल्पटिंग। फेस स्कल्पटिंग से उनका फेस स्लिम या डिफाइंड जॉ लाइन दिखती है। अब टीनेज में तो करा लिया, पर ये झुर्रियाँ जो आपकी होती हैं, जो आपके फोरहेड पे यूजुअली जो ट्रीट करी जाती हैं, अब इनके रिजल्ट्स कब तक आते हैं? इनके रिजल्ट्स 2 या 7 दिन के भीतर आ जाते हैं। इनको कब कराना चाहिए? इनको 4 से 6 महीने के भीतर करा लेना चाहिए। और उसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें जो आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो हैं स्विमिंग, सन एक्सपोजर और राइट स्किन केयर। बोटॉक्स सिर्फ फेस के लिए यूज़ किया जाता है? नहीं, और भी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ लोग स्वेटी पाम्स या माइग्रेन के शिकार होते हैं। स्वेटी पाम्स मतलब हद से ज़्यादा आपको पसीने आना, अंडर आर्म्स में, पाम्स में, पैरों में, बिना वजह आपको पसीने आना। ये बोटॉक्स उसमें भी ट्रीटमेंट करता है। माइग्रेन एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी है जो आपको इधर से उधर हिलने के लिए भी मना कर देती है। माइग्रेन के लिए सबसे कारगर ट्रीटमेंट है बोटॉक्स। ये थी जानकारी बोटॉक्स के बारे में। स्टे ट्यून्ड।